दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है गॉसिप विद माहौर जी में। तारा, दोस्तों तारा काफ़ी मोटी लड़की थी और उसका पति उसके मोटापे के कारण उसका प्रत्येक बोलकर मजाक उड़ाया करता था, लेकिन तारा के इस मोटापे का कारण खुद उसका पति अभय था। वो कैसे, जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों तारा एक मनचली लड़की थी और उसने 17 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पास कर ली थी। उसने कॉलेज में अंग्रेजी ऑनर्स विषय चुनने का निर्णय लिया, पर अंग्रेजी ऑनर्स का विषय काफ़ी परिश्रम वाला विषय है। उसका इंटरेस्ट अंग्रेजी ऑनर्स से ख़त्म हो चुका था, तो वह अपना ज़्यादातर समय कॉलेज की क्लासेस बंक करके सिनेमा हॉल में बिताया करती थी। और तारा की इन सब हरकतों को देखते हुए उसकी माँ ने उसकी शादी अभय नाम के लड़के से तय कर दी। तारा को चॉकलेट बेहद पसंद थी, तो अभय ने भी उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाया। वह जब भी काम के लिए बाहर जाता तो तारा के लिए अलग अलग देशों की सबसे महंगी चॉकलेट लेकर आता था और तारा एक ही बार में सारी चॉकलेट्स खा जाती थी। और इस कारण ज़्यादा चॉकलेट खाने से तारा का वजन तेज़ी से बढ़ने लगा, जैसा कि अभय चाहता था। शादी के बाद परिवार वाले बच्चों की प्रतीक्षा करने लगे, पर उन्हें कोई भी शिशु नहीं हुआ। तारा अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई और उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर तारा ने अभय को डॉक्टर से मिलने को कहा, तो पता चला कि अभय कभी भी पिता नहीं बन सकता। तारा ने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी और वह अभय के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल पड़ी। तारा को संदेह होने लगा कि अभय का संबंध किसी अन्य महिला से भी है, तो उसने फैसला किया कि वह अपने संदेह की पुष्टि करेगी और अभय की जासूसी करेगी। उसे पता लगा कि अभय के जीवन में कोई दूसरी महिला आ चुकी है, इसलिए वह उसे चॉकलेट खिला खिलाकर मोटी कर रहा था। उसे यह जानकर काफ़ी ठोस पहुंची और उसने गुस्से में फ्रिज से चॉकलेट निकालकर खाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तारा को चॉकलेट से नफरत होने लगी थी। तारा ने निश्चय किया कि वह चॉकलेट्स खाना बंद कर देगी और खाना भी कम खाएगी। पहले की तरह वह दुगली और पतली होकर अपने अभय पति को फिर से जीतेगी। अब तारा दुगली पतली हो गई थी और वह पहले की अपेक्षा काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिख रही थी। तारा ने अभय का दिल जीतने के लिए कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और रोज अभय को स्वादिष्ट खाना खिलाना शुरू कर दिया। अभय को खाना इतना पसंद आया कि अभय ने अपने फ्रेंड को भी डिनर पर इनवाइट कर लिया। तारा को खुशी होने लगी थी क्योंकि अभय का वजन बढ़ता जा रहा था। वह वैसा दिखने लगा था जैसा कभी तारा दिखा करती थी। इस कारण अभय का दूसरी महिला से भी संबंध टूट गया। वह काफ़ी उदास रहने लगा और शराब पीने लगा और स्वादिष्ट खाने की मांग करने लगा और वह और भी मोटा होता चला गया। अब तारा काफ़ी सुंदर दिखने लगी थी, तो उसने अभय से बदला लेने के लिए अभय के दोस्त से संबंध बनाना शुरू कर दिया। वह अभय के दोस्त से गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद अभय के दोस्त से संबंध तोड़ दिए, क्योंकि अभय को भी तारा के संबंधों की भनक पड़ने लगी थी। अभय ने तारा के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था, पर उसे पहले ही तारा अपना प्रेम प्रसंग तोड़ चुकी थी, तो अभय के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया।
तारा ने अभय को विश्वास दिलाया कि वह बच्चा उन दोनों का ही है। तारा को लड़की हुई और अब वह खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, तारा का ऐसा करना सही था या गलत, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए।